आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा के दुर्गानगर चौराहे पर आयोजित कार्यक्रम में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का लोकार्पण करेंगे। वे विदिशा की नवीन कृषि उपज मंडी प्रांगण में प्रधानमंत्री फसल बीमा की राशि हितग्राही किसानों के बैंक खातों में वन क्लिक के माध्यम से जमा कराने की शुरूआत करेंगे। इसके तहत 1,33,423 किसानों के बैंक खातों में लगभग 444 करोड़ रूपये जमा किए जाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। प्रदेश में 2 एक्सप्रेसवे बनाने का प्रस्ताव है। इनमें 3,000 करोड़ रुपए की लागत वाला इंदौर भोपाल एक्सप्रेसवे और 6,000 करोड़ रुपए की लागत वाला चंबल एक्सप्रेसवे शामिल है। राज्य सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण कर लेने के बाद इन दोनों एक्सप्रेसवे पर काम शुरू हो सकता है। 986 किलोमीटर लंबे इंटर कॉरिडोर और 679 किलोमीटर लंबे फीडर रूटों के अलावा मध्यप्रदेश में भारतमाला परियोजना के तहत लगभग 3,180 किलोमीटर लंबे आर्थिक गलियारों का निर्माण करने की योजना है। साथ ही भोपाल और इंदौर में लॉजिस्टिक्स पार्क भी बनाने की योजना है। आयकर विभाग आज आयकर दिवस पर 100 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग करदाताओं का सम्मान करेगा। विभाग इस अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। मुख्य समारोह भोपाल के रविन्द्र भवन में आयोजित होगा, जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शिरकत करेंगी। इस अवसर पर 100 साल से ज्यादा उम्र वाले करदाताओं को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने वाले सीए और वकीलों का सम्मान भी किया जाएगा। वहीं विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को आज पुरस्कृत भी किया जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय जीवन बीमा निगम सहित कई बैंकों और वित्तीय संस्थाओं ने फंसे हुए ऋणों की समस्या को तेजी से हल करने के लिए समझौता किया है। इस समझौते के अंतर्गत बैंकों के संघ के कम से कम 50 करोड़ रुपए के फंसे ऋणों की समस्या का समाधान किया जाएगा। ये समझौता सशक्त योजना का हिस्सा है। सुनील मेहता समिति ने जुलाई की शुरुआत में इस संबंध में रिपोर्ट सौंपी थी। केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने इस समझौते को बैंकिंग उद्योग की समस्याएं हल करने की दिशा में बड़ा कदम बताया है। प्रदेश के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में आज दूसरे दिन भी जारी जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के चलते चिकित्सा सेवाएं प्रभावित हुई। हालांकि राज्य सरकार ने महाविद्यालयों की स्वशासी समितियों के तहत कार्यरत सभी संवर्गों के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाओं को अतिआवश्यक घोषित करते हुए आगामी 3 महीने के लिए सामूहिक अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य सरकार ने एस्मा के तहत कल एक आदेश जारी कर ये कार्रवाई की। इस दौरान ये अधिकारी कर्मचारी अपनी निर्धारित सेवाओं में कार्य करने से इनकार नहीं कर सकते। उधर प्रदेश के जूनियर डॉक्टरों ने अस्पताल प्रशासन को अपने सामूहिक इस्तीफे सौंपे हैं। अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने प्रदेश के 8 जिलों में आगामी 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार राजधानी भोपाल समेत पूरे प्रदेश में आने वाले 3 दिनों में तेज बारिश की संभावना है। विभाग के अनुसार सागर, गुना, अशोकनगर, छतरपुर, दमोह, विदिशा, राजगढ़ और रायसेन में भारी बारिश की संभावना है। सागर जिले के बीना में लगातार बारिश के कारण रेलवे जंक्शन के ट्रैक में पानी भर जाने से रेल यातायात प्रभावित रहा। सागर जिला मुख्यालय में पिछले 12 घंटों में 5 इंच वर्षा दर्ज की गई है। रतलाम जिला मुख्यालय में 4 घंटे में हुई लगातार 4 इंच बारिश से पूरा शहर तरबतर हो गया। बुरहानपुर जिले में बारिश के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण हथनूर बांध के 4 दरवाजे खोलने पड़े हैं। वहीं हमारे शिवपुरी संवाददाता ने बताया है कि जिले में पोहरी की बिलुआ नदी पर बने रपटे में 1 व्यक्ति की डूबने से मौत की खबर है। जबलपुर जिले में लगातार हो रही बारिश से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से आज शाम बरगी बांध के गेट खोले जाएंगे। गेट खुलने से रायसेन जिले के निचले क्षेत्रों में रहवासियों को सतर्क रहने की प्रशासन ने अपील की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माखनलाल रघुवंशी का आज निधन हो गया। उनकी अंत्येष्टि उनके गृहग्राम रायसेन के उदयपुरा में की गई। पन्ना जिले में विकास पर्व आयोजित किया गया। इसमें 1,638 करोड़ रुपए की लागत से 14 मार्गों और 425 करोड़ रुपए लागत के 4 मार्गों का लोकार्पण किया गया। सतना जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा डेंगू से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके उपचार के लिए शिविर लगाए गए हैं। और कटनी में आज कृषि उपज मंडी में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में करीब 4,000 आवेदक शामिल होंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।
नमस्कार।